गुड मॉर्निंग, आज मेरी सिटी को मिलने वाला एक बड़ा सा ट्रेन स्टेशन और उसके साथ ही ये हिल क्यों रहा है? अरे पकड़ पकड़ कैमरा को पकड़ो भाई। अरे भूकंप भी कब आया क्या? हेलो, अरे कोई जा रहा तो मेरे को भूल मत जाना, मैं इधर हूँ। वेट 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 वेट, कम हो रहा है। बंद हो गया भाई, बंद हो गया, पूरा हिला डाला भाई। अरे भूकंप नहीं था, ये ट्रेन थी। जब कोई फास्ट ट्रेन जाते है ना, पूरी दुनिया हिल जाती है। पोपटलाल का काम ट्रेन कर रही है, नहीं शादी नहीं, दुनिया हिलाना। यार ट्रेन का शादी कैसा होगा यार? ओके भाई, कुछ भी हो सकता है। देवदास? अरे देवदास नहीं रे, डे। ओ सॉरी, वन डे लेटर। तो गाइस आज हम लोग आ चुके हैं खूबसूरत से वर्ल्ड में। एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पर बहुत सारे आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे, जो कि बहुत खूबसूरत दिखता है। और इनके बाजू में है एक खूबसूरत सा वाटरफॉल, एक नहीं तीन तीन है एक्चुअली। इसका टेरेन इज अमेजिंग। यहाँ पर एक छोटा सा घाट सेक्शन है और हाईवे पे इतनी सारी गर्दी भी है। ओके, पता नहीं लोग किधर से आ रहा है भाई, लॉकडाउन है, घर पे रहो तुम लोग। और एक घाट सेक्शन के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर एक नदी है और यहाँ पर मैप खत्म होता है। ये पिछले वाले मैप से बहुत ज्यादा बड़ा है। इस खूबसूरती को देखो बस। तो मेरी सिटी इन सारे आइलैंड्स के ऊपर फैली हुई होगी और यहाँ पर खूबसूरत बीच भी है, वो भी एक नहीं बहुत सारे। मुझे तो सबसे ज्यादा ये वाला पसंद है। यहाँ पर मैं रिवर राफ्टिंग भी कर सकता हूँ, मैं रिवर राफ्टिंग का बिजनेस करूंगा। और ये आपको GTA 5 की याद नहीं दिलाता? नहीं, ये GTA 5 का मैप नहीं है, ये कम्प्लीटली अलग मैप है और ये मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए ढूंढा है। कि हमारा जो पुराना मैप था वहां पर अनफॉर्चुनेटली कुछ डिजास्टर हुआ है, कुछ नहीं बहुत सारे, वो आपको पता चलेगा वीडियो में आगे। और डैमेजेस इतने हुए कि उसको हम रिपेयर नहीं कर सकते, इसलिए मुझे न्यू सिटी में आना पड़ा। और बहुत मेहनत करने के बाद ये खूबसूरत सा मैप मिला है मुझे, इसलिए वीडियो को लाइक मार देना ठीक है, तो मैं आपको मार दूंगा, वो भी टकले पैसा टपली। और जल्दी हम लोग 1.5 मिलियन पहुंचने वाले हैं। रुको देखने दो जरा। हाँ बराबर 1.5 मिलियन, तो जल्दी से पहुंचा दो, सब्सक्राइब मार दो ठीक है। चलिए लेट्स गो इनटू पुरानी सिटी। आ चुके हैं हमारी खूबसूरत सिटी में और ये क्या, लोग मर रहे हैं। अ डेड पर्सन इज वेटिंग फॉर ट्रांसपोर्ट। भाई अगर वो मर चुका है तो वो ट्रांसपोर्ट क्यों करेगा? और हमारा अम्यूजमेंट पार्क लेवल 5 का हो चुका है, क्योंकि ये 5 स्टार है तो मैं लोगों से ज्यादा पैसे भी चार्ज कर सकता हूँ, यू नो, मेरी सिटी के लिए। भाई इसमें मैं कुछ नहीं कमाता हूँ, काश मेरे को भी थोड़ा मिलता। और ये है हमारा एयरपोर्ट जहाँ पर दो दो प्लेन एक साथ आती है। अब ये इसके अंदर से जाएगा। गया। दिस इज जस्ट गेम लॉजिक भाई, देखो पूरा निपट के जा रहे हैं। तुम लोग एक दूसरे से प्यार करते हो क्या? कलर भी सेम है सबका और इन 6 लोगों का घर सेम टू सेम है, एक ही प्रॉपर्टी 6 लोगों में डिवाइड हो गया। और हमारा डैम भी बहुत जबरदस्त चल रहा है, कुछ ज्यादा ही पानी निकल रहा है ये। मैंने मेरे सिटी के लोगों के लिए एक मंदिर भी बनाया हुआ है, मंदिर नहीं है, जापानीज टेम्पल है, लेकिन ओवरऑल कॉम्प्लेक्स बहुत सुंदर है। ये सुंदर कॉम्प्लेक्स सबको पसंद है सिवाय वो सुंदर के। आज तारक पता इतना क्यों याद आ रहा है मेरे को? तेरा क्या प्रॉब्लम है? गार्बेज है, स्पाइल्ड अप। अरे तेरा कचरा वो तू जाने, मेरे को कुछ नहीं बोलने का। तो हाँ, मैं रेलवे स्टेशन बनाने वाला था ना, रुको माफ करना जरा, मैं कभी कभी इधर उधर भटक जाता हूँ। तो ये है हमारा एक ट्रेन स्टेशन, बट जैसा कि मैं आपको बताऊंगा ये बहुत ही बोरिंग है यार। ये देखो कितना छोटा स्टेशन है ये और इसके अंदर सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म है। मेरी सिटी में बहुत सारी ट्रेन आने वाली है, इसलिए मैंने कुछ मॉड्स इंस्टॉल किए हैं जो कि ये गेम में आते हैं ठीक है, फ्री है। ये देखो मल्टी प्लेटफॉर्म एंड स्टेशन, ये इतना बड़ा स्टेशन है ना भाई कि जगह ही नहीं इसको डालने के लिए, रुको इसको हटाना पड़ेगा। और ये मैंने डाल दिया यहाँ पर, ये देखो भाई यहाँ पर कितने सारे प्लेटफॉर्म्स है। अरे रेल के बीच में नारियल का पेड़ क्या कर रहा है? चल गेट आउट, तू भी गेट आउट। यहाँ पर टोटल 12 प्लेटफॉर्म्स है, एक साथ 12 ट्रेन खड़ी रह सकती है। और ये दिखने में भी कितना मॉडर्न लग रहा है। ये रही ट्रेन स्टेशन की एंट्रेंस, फुल एयरपोर्ट टाइप लगता है ना। वेल इसको मैं इधर नहीं बनाने वाला। हमारी रेलवे लाइन कहाँ पर है? ये रही, यहाँ पर है हमारी सिटी की रेलवे लाइन और ये हमारा हाईवे है। तो इस रेलवे लाइन को यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कनेक्ट करना पड़ेगा। और रुको सिर्फ इतना नहीं है, और भी स्टेशन है हमारे पास। आप लोग इसको देखो भाई, फुल अंडरग्राउंड स्टेशन है, लेकिन ये ट्रेन नहीं है, ये मेट्रो है, फुल मॉडर्न रेलवे स्टेशन है। और ये है दूसरा मॉडर्न रेलवे स्टेशन, फुल जकास। गाइस हमारे सारे रेलवे स्टेशन मैंने डिस्प्ले के लिए डाल दिए इधर, देखो 1 2 3 4 5 6। ये ऐसा लगता है फुल एक मॉडर्न म्यूजियम लगता है ना, ये एक्चुअली में ट्रेन स्टेशन है, लेकिन इसमें भी 2 ही प्लेटफॉर्म्स है। ये हमारा दूसरा रेलवे स्टेशन, वाह भाई यहाँ से एंट्रेंस और बीच में पार्किंग लॉट है। और ये ट्रक वाला कौन घूम रहा है बे? हेलो निकल इधर से। अच्छा मेंटेनेंस वाला, ठीक है कर काम कर भाई, वो सच में निकल गया। देख लो इसको भी जरा, अरे नारियल का पेड़ है ना, बार बार बीच में आता है, चल निकल। बट ये भी आप देख सकते हो सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म का है। अब बढ़ते हम 4 प्लेटफॉर्म वाले के ऊपर, देखो यहाँ पर 4 प्लेटफॉर्म्स है और इसकी डिजाइन ठीक है, इतनी कुछ खास नहीं है। इसमें एस्केलेटर लगा हुआ है, इसमें सिर्फ फुट ओवर ब्रिज है, उसके अलावा कुछ भारी डिजाइन कुछ नहीं है। अब ये वाले रेलवे स्टेशन में 2 ही प्लेटफॉर्म है बट 4 रेलवे ट्रैक्स है और ये भी पूरा कांच का बना हुआ है। ये देखो एक बुड्ढे अंकल जा रहे हैं अंदर, भाई जमीन के अंदर चला गया वो, रेस्ट इन पीस बुड्ढे अंकल। जब इसके अंदर से, अरे यार ये नारियल का पेड़, चल चल निकल। जब इसके अंदर से एक बुलेट ट्रेन गुजरेगी तो क्या मस्त नजारा होगा। और इसके स्टेशन के नीचे पार्किंग है भाई, वाह। दूर से तो ये पूरा लकड़े का दिखता है लेकिन ये पूरा सीमेंट है, कॉन्क्रीट एकदम। अब आ जाता है हमारे सबसे मॉडर्न रेलवे स्टेशन के ऊपर जो कि ये रहा, इसी के बाजू में। ये एंट्रेंस देखो तुम, फुल मॉल लग रहा है भाई। इसकी पार्किंग फुल राउंड सर्कल में है, ये यहाँ से फुल
अच्छा पीछे नहीं है क्या? ओके पछका हो गया मेरा। सेमी सर्कल में है ये, जहाँ पर और एक बुड्ढे अंकल जा रहे हैं और वो गायब हो गए, ठीक है। और यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़कर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आपको प्लेटफॉर्म्स दिखेंगे। ये ऊपर से ना पूरा पाव जैसा दिख रहा है, पाव भाजी वाला पाव। यहाँ पर भी चार ट्रैक्स और चार प्लेटफॉर्म्स है, और इन सब में से ये वाला सबसे बेस्ट लग रहा है, तो हम इसी को लगाएंगे भाई। वो गाइस मेरी सिटी में आया एक मिलिट्री का एयरक्राफ्ट भाई, ये देखो ग्रीन कलर का, इसे GTA 5 बता ना वैसा है ये। आओ भाई मिलिट्री वाला वेलकम है। 7:59 AM है? ये क्या है भाई, इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट है ये? हाँ ठीक है। ये क्या है? ओह अरे मेरा मेरा पार्क, अरे मेरा पार्क, अरे भाई ये क्या था? अरे पूरा पार्क उड़ा दिया भाई, मेरा 5-star अम्यूजमेंट पार्क भाई, चारों तरफ आग फैल चुकी है। अरे मेरा स्टेडियम भी उड़ा दिया भाई, पूरा टुकड़ा टुकड़ा हो गया भाई। ऐसा भी होता है सिटी में भाई? सत्यानाश, गया भाई पूरा मेहनत गया भाई। इतना मेहनत से अम्यूजमेंट पार्क बनाया था यार, सारे घर भी उजाड़ दिए इसने। अरे कोई बुझाओ यार इस आग को, बुझाओ कोई भाई। हेलीकॉप्टर डालो भाई, जल्दी डालो पानी। ये देखो भाई हमारे सिटी में हेलीकॉप्टर आता है फायर उड़ाने के लिए। अभी अभी और एक बार, ये क्या चल रहा है ये भाई? अभी किधर गिर रहा है भाई? आवाज आ रही है भाई, भाई जोरदार आवाज आ रही है। ओ ऑटोमेटिक गया, मैंने कुछ नहीं किया। ओ भाई एयरपोर्ट गया भाई, एयरपोर्ट गया, पूरा एयरपोर्ट उड़ा दिया भाई। अरे गिर गया भाई। भाई इधर मेरा गार्डन था यार, बॉटनिकल गार्डन भाई, दो बड़े बड़े खड्डे बाजू बाजू में, दोनों एयरपोर्ट उड़ा दिए भाई इसने। पानी में इतनी उथल पुथल कौन मचा रहा है? ओ समझा, अरे तो सुनामी है, ये पक्का सुनामी है भाई। ये देखो पूरा आइलैंड डूब चुका है। अच्छा तो हुआ ऐसा होगा कि ये मीटियोराइट्स कुछ कुछ ओशन में भी गिरे होंगे, जिसकी वजह से पानी फुल छपाक करके उड़ गया। बट मेरी सिटी सेफ है क्योंकि आसपास पहाड़ है, पहाड़ सुनामी पहाड़ चढ़ के तो नहीं आ सकता। ये बोट वाला देखो ऐसे घूम रहा है, इसको सुनामी कुछ पड़ी नहीं है। इधर से बड़ी वाली सुनामी आ रही है और ये सीधे जाएगी मेरे डैम के पास भाई। ये तो बहुत ज्यादा बड़ी वेव है भाई, मेरा डैम फूटेगा तो नहीं ना? डैम रेस्ट इन पीस ब्रो। ओ भाई पूरा डैम डूब गया। ये डैम क्या अंबुजा सीमेंट का बनाया गया, अभी भी खड़ा है। ये सुनामी की वेव को इस डैम ने झेला है। डैम तेरे को मैं अवार्ड देगा, जो सुनामी झेलर अवार्ड। ए भाई इधर कब एस्टोरेट फूटा? मेरा ध्यान उस डैम की तरफ था और इतने में इधर एक एस्टोरेट ने फोड़ दिया। गाइस अब इस सिटी में कुछ नहीं बचा है। अब मैं इसको रिपेयर करने जाऊंगा तो बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि इस डिजास्टर को रोकना इज इम्पॉसिबल। हमें आज इस सिटी को गुड बाय बोलना ही पड़ेगा, एक नई शुरुआत करेंगे। और क्या जरा देखो, इसको पूरा हेल बन चुका है। वन देवदास लेटर, कोई अगर मुझे लात मार के गिराए तो मैं अपने खुद के पैरों पर खड़े होकर उसे फिर से लात मारता हूँ। वन लात फॉर अ लात, कंप्लीट इक्वालिटी, नो पार्शियलिटी। और ऐसे ही मैं खुद के पैरों पर खड़े होकर मैंने एक नई सिटी बना दी। ओ भाई ये क्या है? ये तो मेरे को अभी दिख रहा है। तो हमारे वाटरफॉल के मेन पहाड़ के ऊपर यहाँ पर एक कब्रिस्तान है, एक सेमेट्री है। हड्डी पूरा टूट फूट चुका है, मतलब यहाँ पर भी डिस्ट्रक्शन हुआ था क्या? अभी ये तो फोर्ट है पूरा। ओ भाई एक नंबर, इस फोर्ट को मैं रीबिल्ड करूंगा भाई। लेकिन सबसे पहले इस फोर्ट से आगे जाओ तो वहाँ पर दिख रही है हमारी खूबसूरत सिटी, ये ऊंचे ऊंचे टावर और ये छोटे छोटे घर। हाँ उस पे ध्यान मत दो, मैंने ऑलमोस्ट 10-15 घंटे बाद ये सिटी बनाई है। ये हाईवे से हम यहाँ पर जाते हैं, ये हमारी सिटी की एंट्रेंस है। देखो सर कितनी खूबसूरत है, ये पर्पल कलर के पेड़, पर्पल है कि पिंक है, खैर जो भी है। तो यहाँ पर आसपास पेड़ और पत्थर लगे हुए हैं और नारियल के पेड़ भी है। संभाल के रहना टकले पे गिर ना जाए। इधर ही खड़े खड़े मैं इंस्टाग्राम के फोटो निकालूंगा भाई। लेकिन इसके थोड़ा आगे जाओ तो यहाँ पर है एक सिटी आर्क। ये है कुछ तो एक छोटा सा आर्क है, लेकिन ये बहुत फेमस है। ये लोग है ना स्पेशली सिटी आर्क को देखने के लिए आता है, और इसका नाम में ही ऑस्कर है। वाह, ये मैकडॉनल्ड्स, ये इधर थे हॉट डॉग वाले, भूख लगा इधर। और ये जो बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं ये बस शो के लिए लगाया है, जो कि बहुत खूबसूरत दिख रहा है, क्योंकि ये हमारी सिटी की मेन एंट्रेंस है तो खूबसूरत तो होना ही था। इतने सारे वैरायटी के पेड़ है ना हमारे पास, पूरी दुनिया से एक एक पेड़ उठा के लगाया मैंने इधर लिटरली। ये हमारी सिटी का मेन वो गोल चक्र है, क्या बोलते हैं इसको, सर्कल है, जिसको हम राउंड अबाउट बोलते हैं। ये ट्रैफिक मैनेज करने के लिए बहुत अच्छा होता है। ये पत्थर पता है, ये पार्ट दिख रहा है देखो, ये उंगली वाला पार्ट है, दिस इज द उंगली पत्थर, बहुत उंगली करता है ये। तो इन पत्थरों के साथ फोटो खींचने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं हमारी सिटी में। हरी भरी एंट्रेंस है हमारी, हरा भरा कबाब यार, बहुत भूख लग रही है यार। हमारी सिटी का मेन एरिया ये रहा, क्योंकि यहाँ पर ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, और ये हमारा सबर्बन एरिया है, यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। और ये क्रूज शिप भी आई हुई है यहाँ पर, इनके लिए भी हम एक फेरी बनाएंगे। और ऐसे मल्टीपल ब्रिजेस अक्रॉस द सिटी, क्योंकि ये सिटी पूरी आइलैंड से भरी हुई है। ये ओल्ड स्टाइल वाला विंड मिल है और ये मॉडर्न स्टाइल वाला विंड मिल है। तो हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं, हमें सबसे पहले बनाना है ट्रेन स्टेशन, राइट? और गेस व्हाट, यहाँ पर ऑलरेडी एक स्टेशन था, एक फैक्ट्री थी यहाँ पर, जो कि अभी बंद हो चुकी है, तो इसकी जगह हमने हड़प ली है। मैं गवर्नमेंट है भाई, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेलवे ट्रैक्स है, तो मैं सोच रहा हूँ इसके बाजू में ही अपना वो बनाया जाए रेलवे स्टेशन। वो भाई इधर भी फोर्ट है क्या भाई? ये सारे फोर्ट तो मैं आज ही देख रहा हूँ, सही है भाई, बहुत खूबसूरत है। और इधर भी आग बुझाने के लिए मैंने हेलीकॉप्टर रखे हुए है, ये हेलीकॉप्टर नदी में से पानी उठाता है और फिर बाद में जाके
गायब हो जाते हैं, आग बुझाते हैं। वेल, सबसे पहले यहाँ पर मैंने रास्ता तो ऑलरेडी बना दिया है। हमारा मॉडर्न वाला ट्रेन स्टेशन कहाँ पर है? मॉडर्न वाला तो हमें चार प्लेटफॉर्म वाला चाहिए, इसलिए मैं ये वाला यहाँ पर बनाने वाला हूँ। ऐसे पहले टाइम को पॉज किया जाए और यहाँ पर मैं रेलवे ट्रैक्स लगा देता हूँ। ये रहे रेलवे ट्रैक्स, ये ट्रैक्स जाके सीधा यहाँ पर मिलेंगे। ओके, ये ऐसे हो गया भाई, हमारा रेलवे स्टेशन रेडी है भाई। और यहाँ पर ब्रिज भी बनाया भाई, ब्रिज ऑटोमेटिकली बन गया, मैंने नहीं बनाया। एक्चुअली तो ब्रिज की जरूरत नहीं है, तो इस जमीन को है ना मैं थोड़ा ऊंचा कर देता हूँ ऐसे। हाँ भाई, हम जमीन को ऊंचा भी कर सकते क्योंकि मैं ही भगवान हूँ। ये तो ऐसे पेंट ब्रश लेके ऊंचा कर सकते हैं भाई, कुछ ज्यादा ही ऊंचा हो गया। अब तेरे को क्या लाइट चाहिए क्या? रुकना भाई, हमें लाइट का टावर लगाना पड़ेगा। ये यहाँ से लेके ऐसे और फिर ऐसे लग गया भाई लाइट का टावर। अब खुश हो जा। तो मैंने थोड़ा एडजस्टमेंट किया क्योंकि हमें यहाँ पर कार्गो वाला रेलवे स्टेशन भी बनाना था। तो यहाँ पर स्पेशली हमारी गुड्स ट्रेन आती है ना, तो ये हमारा कार्गो टर्मिनल है और ये हमारा पैसेंजर टर्मिनल है। वेल, इसको शुरू किया जाए और क्या, यहाँ पर अंदर जाने के लिए एक रास्ता बनाया हुआ है और इस ब्रिज के नीचे से जाती है हमारी रेलवे लाइन और हमारी पहली ट्रेन आ चुकी है। ये आ जाओ भाई, आ जाओ, सबका वेलकम है। उतरो भाई, सब लोग उतरो। हाँ भाई, ऑब्वियसली उतरो। ये हमारी दूसरी ट्रेन भी आ गई, वाओ। और ये हाई स्पीड ट्रेन है गाइस, मेरी सिटी में हाई स्पीड ट्रेन्स भी आ रही है, वाओ। और कौन सी ट्रेन आ रही है भाई, देखते जरा। और ये आ रही है हमारी गुड्स ट्रेन जो की पूरी खाली आ रही है। खाली क्यों आ रही है भाई? मैं थोड़ा सामान भर के लाती। और इन गुड्स ट्रेन के साथ क्या होता है पता है? यहाँ पर एक क्रेन है जो सामान उठाती है और गायब भी करती है। ओके फाइन। ओ भाई, इधर ट्रैफिक जैम लग चुका है। व्हाट, मेरे सिटी में ट्रेन्स का ट्रैफिक जैम? यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन खड़ी है, उसके पीछे यहाँ पर ये ओ बुलेट ट्रेन। ओ भाई साहब, बुलेट ट्रेन भी है इधर भाई। तो जापान का बुलेट ट्रेन है, शिंकानसेन नाम है इसका। और उसके पीछे यहाँ पर तीसरी एक हाई स्पीड ट्रेन भी खड़ी है और एक बुलेट ट्रेन। यहाँ पर चार, उसके पीछे पांच और उसके पीछे छह। भाई इधर छह ट्रेन लाइन में खड़ी है भाई, इतना डिमांड है क्या मेरे रेलवे स्टेशन का? वाह भाई, ये देख के तो मैं खुशी हो गया एकदम। अच्छा, तो ये सारी ट्रेने एक ही प्लेटफॉर्म पे जा रही है, क्या बुद्धू ट्रेन है रे सब। ओ भाई, ये ठग लाइफ को देखो, ट्रेन के आर पार से चल के आ रहा है। बिचारी हमारी बुलेट ट्रेन इतनी दूर से आई है और इसको यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। नहीं, ये स्टेशन से काम नहीं चलेगा भाई, हमें बड़ा वाला स्टेशन बनाना पड़ेगा और बड़ा वाला स्टेशन के लिए यहाँ पर जगह भी नहीं है। चलो फुटो, सब लोग फुटो, तुम भी उड़ो जाओ और ये स्टेशन को भी उड़ा देंगे। अब मैं डालूंगा यहाँ पर हमारा अल्ट्रा मॉडर्न एकदम बड़ा वाला मल्टी स्पेशलिटी। भाई तुम सब उदास क्यों हो रहे हो? मैं नया ट्रेन स्टेशन बना रहा हूँ भाई। और ये आ गया, डाल दिया भाई। ये तो उल्टा डल गया भाई, ट्रैक्स ऐसे चाहिए थे, ये ट्रैक्स तो ऐसे आ गए। मुझे एक्चुअली यहाँ से एक रास्ता निकाल कर यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा ऐसे। अब इस रास्ते पे हम डालेंगे ट्रेन स्टेशन। आ गया भाई, सारे लोग खुश हो गए भाई। अभी सारे रेलवे ट्रैक्स को मैं यहाँ पर ज्वाइन कर दूंगा ऐसे और ये जाएगा ऐसे। तो गाइस, हमारा ट्रेन स्टेशन फाइनली। तो यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस करने पड़े मुझे, ये ब्रिज को भी थोड़ा चौड़ा करना पड़ा क्योंकि इसके नीचे से मुझे दो दो रेलवे ट्रैक्स डालने थे। और हमारा ट्रेन स्टेशन अब कुछ ऐसा दिख रहा है ना, फुल मॉडर्न और ऊंचा एकदम, फुल एरी है, बहुत हवा आती है इधर। और यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे लोग खड़े भी है, देख रहे हो ट्रेन की राह देख रहे हो? देखो भाई देखो, आएगी बहुत जल्द आएगी ट्रेन, ठीक है। और ये ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है, फुल एक बड़ा जंक्शन दिखता है ना, यहाँ पर भी ट्रैक्स है और यहाँ पर भी ट्रैक्स है, मुझे बहुत पसंद है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने मेट्रोज भी बनाया है। ये इतने सारे लोग जो निकल रहा है ना, वो लोग मेट्रो से निकल रहा है। और ये हमारी बस को तो देखो यार, कैसी चुपक चुपक वाली बस है, फुल फ्लेक्सिबल बस है ये, डबल डेकर। हमारी मेट्रो लाइन कहाँ से कहाँ तक जाती है मैं दिखाता हूँ आपको। ये रहा मेरे पूरे सिटी का मेट्रो लाइन, जो ग्रीन एरिया दिख रहा है ना, वो पूरा मेट्रो का लाइन है, पूरे सिटी में गोल गोल घूमती है ये। और ये जो बीकन जैसा टावर दिख रहा है ना ग्रीन कलर का, वो मेट्रो स्टेशन है। तो एक मेट्रो स्टेशन तो हमारे मेन रेलवे स्टेशन के बाजू में ही है, तो लोग सीधा रेलवे स्टेशन से उतर के डायरेक्ट मेट्रो में घुस सकते हैं ना, इसलिए मैंने उन दोनों को बाजू बाजू में बनाया है। और आगे एक बस स्टॉप भी डाल दिया है। और मेट्रो से इतने सारे लोग निकल रहे हैं भाई, मेट्रो फुल जोरदार चल रही है, मतलब लोगों को बहुत पसंद आ रहा है मेट्रो। अनफॉर्चुनेटली मैं मेट्रो दिखा नहीं सकता क्योंकि वो अंडरग्राउंड है, बट मैं सोच रहा हूँ इस स्टेशन को और भी एक्सटेंड किया जाए, यहाँ से रेलवे लाइन सीधे सिटी में डाल दूंगा भाई। तो ये है हमारा एक मेट्रो का स्टेशन। रुको, यहाँ पर ट्रेन आएगी अभी, दो मिनट बस। ये आ गया, आ गया, ये देखो ये ट्रेन आ गई। अब इसमें से बहुत सारे लोग निकलेंगे और ये जो स्क्रीन है ना, यहाँ से हम ट्रेन्स को ट्रैक कर सकते हैं। ये पहली ट्रेन हमारी यहाँ पर घूम रही है, फुल ऑटोमेटिकली ट्रैक करता है ये। हमारी दूसरी ट्रेन कहाँ घूम रही है? यहाँ पर घूम रही है। और ये हर एक स्टॉप पे कितने पैसेंजर्स है ये दिखाता है, मतलब यहाँ पर अभी 57 पैसेंजर्स है और यहाँ पर सिर्फ चार ही है, ऐसा क्यों? कौन सा स्टॉप है ये भाई? अरे तो यूनिवर्सिटी वाला है भाई। यहाँ पर पैसेंजर्स की भीड़ बढ़ते जा रही है, ट्रेन जल्दी से आ जाए तो अच्छा है। आगे आगे एक ट्रेन आ गई, अभी सारे 97 लोग ट्रेन में भर चुके हैं। ऐसे चलता है हमारा मेट्रो का सिस्टम। कमेंट करके बताओ यार ये सिटी कैसी दिख रही है। अब मैं क्या सोच रहा हूँ पता है, ये जो रिवर है ना, इसके ऊपर हम यहाँ कहीं पर तो एक डैम बना देंगे, यहाँ पर डैम बनाएंगे भाई, बहुत मस्त दिखेगा। लेकिन ये वाटरफॉल बंद हो जाएगा यार, नहीं तो डैम कैंसिल, वाटरफॉल इंपॉर्टेंट है भाई, डैम हो या ना हो। और ये वाला जो मैप है, ये मेरे पुराने मैप से बहुत ज्यादा बड़ा है। ओ भाई इधर भी एक रिवर है, ये तो मैंने देखा ही नहीं। और ये क्या प्लेन है क्या? ये प्लेन वाले, अरे रुक, तुम किधर से आती और तुम किधर जाती?
आती अहिला जीरो पैसेंजर है इसके पास। हम एयरपोर्ट भी बनाएंगे भाई। मैं सोच रहा हूँ एयरपोर्ट के लिए एक अलग ही आइलैंड बनाते हैं। ये वाला जो आइलैंड है ना, इधर एयरपोर्ट मस्त बैठेगा। और ये मैंने आधा अधूरा ब्रिज बनाया है यहाँ पर। ये ब्रिज ये आइलैंड को ये आइलैंड से कनेक्ट करता है, नोकिया कनेक्टिंग हैंड्स। और मैंने यहाँ पर एक बड़ी सी यूनिवर्सिटी भी बनाई है, और यूनिवर्सिटी के पीछे एक पहाड़ भी है। अगर आपको याद होगा तो नोबिता के स्कूल के पीछे भी पहाड़ है ना, बस तो ये वही पहाड़ है ऐसा समझ लो। और यहाँ पर बहुत सारे लोग है ना हिल के ऊपर भी रहते हैं। GTA 5 में फ्रैंकलिन का घर भी हिल के ऊपर था राइट, तो इन्हीं किसी में से एक घर हम फ्रैंकलिन को भी देंगे, वो भी फ्री में दे देंगे भाई। तो गाइस वीडियो को यहीं पर एंड करता है। इस सिटी में और भी बहुत कुछ बनाना है हमें, बहुत टाइम लगा लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बना लेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।